एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर, तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर, विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैठ ना तू हार कर। आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स बहुत छोटी नजर आने लगेगी। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिकी इतिहास के सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यही इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफर इतना मुश्किल था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता। जब यह बंदा मात्र 2 साल का था, तब इसके परिवार को एक जमीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। प्रॉब्लम्स इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ रही थी। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक जमीनी विवाद के कारण उन्हें वो घर भी छोड़ना पड़ा और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे, जहाँ पर लिंकन के पिता खेती भी करने लगे। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह बंदा 9 साल का था तब एक बीमार की वजह से इनकी माँ की डेथ हो गई और यहाँ से शुरू होती है इनके लाइफ का वो दौर जहाँ पर कमजोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं। इस बंदे को किताबें पढ़ने का शौक था, यह बंदा पढ़ना चाहता था लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम करके पैसे कमाता। कई दिनों तक काम करने के बाद उस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिली। कई दिनों तक पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने को सोचा और उस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरह हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था, एक बीमार की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था। यह बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा, इसलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। लेकिन वो बंदा अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। साथ ही वो बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी, उसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस फ्री में लड़ने लगा। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। जिंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। इस बंदे ने शादी की, उसके बाद इसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा। यह बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था। इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। उसके बाद स्टेट रजिस्टर का चुनाव लड़ा, लेकिन हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन फिर से फेल हो गया। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर से हार गया। 55 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार गया। 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से हार मिली। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूटकर बिखर जाते हैं, लेकिन ये बंदा भी शायद एक ही जिद पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हो लड़ता रहूंगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी यह बंदा एक बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। आखिर हार भी कब तक हराते इस बंदे को जो हार मानने को तैयार नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए, लेकिन 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन अपने पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे, जहां पर एक अभिनेता ने उनको गोली मार दी और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया से चले गए। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मानकर बैठ जाना बहुत बुरी बात है। इसलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए हो निभाने किरदार जमीन पर तो कुछ ऐसा जरूर करना कि जमाना मिसाल दे। अंत तक कहानी को सुनने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।